गलगोटियाज विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्लग इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंतरा पांडे और आप सुन रहे हैं रेडियो नाटक। आज के इस अंक में जो नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उम्मीदवार। ये नाटक एक राजनीतिक कटाक्ष है जिसका लेखन एवं निर्देशन संदीप बाना के द्वारा किया गया है। तो चलिए सुनते हैं आज का नाटक उम्मीदवार। कविता जी, तोमर साहब इतने परेशान क्यों हैं आज? क्या बताऊं रजत जी, हर सर्वेक्षण हमें आखिरी स्थान पर दिखा रहा है। क्या यही नियति है? क्या हमारे सितारे हमेशा गर्दिश में रहेंगे? नियति नहीं सर, रणनीति की जरूरत है। एक ऐसी रणनीति जो विरोधियों को हिला दे। हमें बस एक नया विचार चाहिए, एक फ्रेश आइडिया। क्यों राहुल जी, क्या विचार है? और क्या, अगर हम एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करें जो इतना असंभव्य हो कि सब चकित रह जाएं, कोई ऐसा जो चुनावी खेल को ही उलट पुलट कर दे। ओ मैं तो बस माफ कीजिए गलती से। देख के सेवाराम, क्या पूरा ऑफिस ही उलट पुलट कर दोगे? अरे ठीक है अनिल जी, कोई बात नहीं। अरे तुम सेवाराम, तुम होंगे हमारे अगले उम्मीदवार। सेवाराम, क्या कहते हो अनिल जी? मैं चपरासी से सीधे उम्मीदवार, सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? यही तो क्रांति है सर, चपरासी से सीधा सत्ता के गलियारों में। वाह, क्या खबर बनेगी। यही होगा हमारा मास्टर स्ट्रोक, पर क्या जनता उससे जुड़ पाएगी? क्यों कविता जी? बिल्कुल सर, अब हमें इसे बेचना है और उसमें तो अनिल जी वैसे भी माहिर हैं। सेवाराम तैयार हो जाओ इतिहास रचने के लिए, आपकी सादगी और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लेकिन सर, मैं तो गांव से हूँ और मेरी तो कभी राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं थी, मैंने तो वोट भी पिछले साल ही डाला था। बस यही तो आपकी खासियत है सेवाराम, एक आम आदमी जो सच में जनता की तरह सोचता है। आपको बस खड़े रहना है, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन क्या मैं भाषण दे सकूंगा? मेरे तो कभी शब्द ही नहीं मिलते। अरे तुम्हारी सादगी, तुम्हारा सच बोलना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है सेवाराम, जनता इन्हीं को सुनना चाहती है। क्यों अनिल जी, क्या विचार है? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। ठीक है सर, मैं तो फिर चलता हूँ। ओ नहीं, ये नहीं सुधरने वाला। देखा जाए तो यही असली राजनीति है, जितना बड़ा गड़बड़ झाला उतना ही लोगों को प्यारा। हाँ, और सेवाराम तो गड़बड़ झाले का पर्याय है, वो जहाँ भी जाता है हास्य की लहर ले आता है। वास्तव में उसके पास वो खास तत्व है जो आज की राजनीति में गायब है, अनजाने में ही सही लेकिन ईमानदारी से गलतियां करना। हाँ, और हर बार जब वह कुछ कहता है ऐसा लगता है जैसे वह गलती में भी सच बोल जाता है। जनता को ऐसी गलती से हीरो बहुत भाते हैं। बहुत भाते हैं। अरे भाई, उसे भीड़ के सामने खड़ा कर दो और देखो कैसे अपने आप ही चुनावी मंच पर कॉमेडी शुरू हो जाएगी। हमें तो बस पॉपकॉर्न लेकर बैठना है। लेकिन याद रखना, यह सब मजाक में ही सही, हमें इसे एक सीमा में रखना होगा। जनता जिसे प्यार करती है उसी से अक्सर निराश भी होती है। हमें सेवाराम को तैयार करना होगा, ना कि उसे बर्बाद। सही कहा सर, सेवाराम की सादगी और अनजानी चालाकी हमें वही जीत दिला सकती है जो हमें चाहिए। उसे बस थोड़ा सा मार्गदर्शन और बहुत सारा समर्थन चाहिए। ये कर पाएगा? जैसी उसकी हरकतें हैं। चलो देखते हैं। कोशिश तो करें। बस मुस्कुराते रहो और हाथ हिलाते रहो सेवाराम जी, बस कुछ मत कहो, बस मुस्कुराते रहो। टोपी संभाल के, टोपी कहाँ गिरा दी? जिंदाबाद। ये तो सच में सबको पसंद आ रहा है। देखा, जनता को असलियत पसंद आती है, सेवाराम की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता सर, मैं कैसे?
अरे रे रे, बस यही तो तुम्हारा मैजिक है, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा विनम्र स्वभाव। वाह वाह। और देखो तो, जब भी तुम गलती करते हो लोग उसे प्यार करते हैं। ये गलतियां नहीं है, ये तो तुम्हारे चुनावी हथियार हैं। ओह, मेरी टोपी कहाँ गई? टोपी संभाल के रखती है। मैं तो बस देखा, तुम्हारा नेतृत्व बिल्कुल नैसर्गिक है सेवाराम। तुम जो भी कुछ करते हो लोगों को बहुत भाता है, समझे? हमें तो बस इसे चुनावी प्रचार में बदलना है, सेवाराम की गलतियों को कलाकारी में परिवर्तित कर देना। बस उसे ज्यादा बोलने का मौका मत दो, वरना लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक मास्टर ब्लॉक है। अरे सेवाराम अब लीड में है, हमारा मजाक अब सच में बदल गया है। क्या होगा अगर वह जीत जाए? हमारी पार्टी का चेहरा बन जाएगा। हमें बस उसे सार्वजनिक रूप से बोलने से रोकना होगा, हर बात स्क्रिप्टेड होनी चाहिए, वह जितना कम बोलेगा उतना बेहतर। सेवाराम जी जिंदाबाद जिंदाबाद, सेवाराम जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्रिय सिटीजन्स, मैं वादा करता हूँ कि हर किसी को हाई फाई करूँगा। सत्यानाश, पूरा सर्कस बन गया है ये। कहीं ये सब बहुत बड़ी गलती तो नहीं बन रही है? हमें उसे बस संभालना होगा, अगर सेवाराम जीतते हैं तो हमें उन्हें सही दिशा दिखानी होगी, एक नायक बनाना होगा, ना कि केवल एक मस्खरा। शायद इससे हमें वह बदलाव मिले जिसकी आवश्यकता है। हमें उसकी भोली ईमानदारी का उपयोग करना होगा, ना कि उसे दबाना होगा। और अगर सब कुछ गलत हो जाता है तो हम कम से कम कह तो सकते हैं कि हमने कुछ अलग किया था। और शायद तब तक सेवाराम को माइक पकड़ना भी आ जाए। हमारा नेता कैसा हो? सेवाराम जैसा हो। सेवाराम जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस 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 बस, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो सेवाराम जी, स्क्रिप्ट के हिसाब से बस पढ़ते रहो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन मैं ईमानदारी के बारे में जानता हूँ और यही मेरी पेशकश है। वो इसमें बहुत अच्छे हैं। शायद बस शायद वही है जो हमें चाहिए। और हाँ, मैं वादा करता हूँ हर रविवार तो सभी तो रेवड़ी मुफ्त मिलेगी, क्योंकि मुझे रेवड़ी बहुत पसंद है। रेवड़ी, 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 रेवड़ी। यह क्या कर दिया सेवाराम जी, अब तो आपने चुनावी वादा भी रेवड़ी का कर दिया। अरे यही है असली स्वीट पॉलिटिक्स। कम से कम जनता को खुश तो रखेंगे, और वो भी रेवड़ी से। अगर राजनीति में रेवड़ी जैसी मिठास आ जाए तो फिर शिकायत किस बात की?
वह जीत गया, सेवाराम जीत गया। मुझे तो वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सेवाराम जीत जाएगा। क्या कहती हो कविता? सभी वादाओं के विरुद्ध चपरासी अब हमारा नेता है। ऐसे एक बात तो है, इसे चाहे सेवाराम की सादगी को हो या फिर चुनावों में किया गया रेवड़ी का वादा, या फिर उन लोगों की मेहरबानी जो अपने घरों से वोट डालने ही नहीं निकलते, कुछ भी कहो पर अगले 5 साल सत्ता तो आपकी हुई। क्यों सर? पर हाँ, अब एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक नया पियोन तो ढूंढ लो, सेवाराम अब चाय नहीं पिलाएगा। आप सुन रहे थे रेडियो नाटक उम्मीदवार, जो गलगोटियास विश्वविद्यालय के प्लगइन पॉडकास्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि आपने सुना, ये नाटक एक राजनैतिक कटाक्ष है, जिसमें मुख्य भूमिका में थे प्रशांत सक्सेना, जिन्होंने सेवाराम का किरदार निभाया। नाटक के अन्य पात्र, पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर का किरदार सिद्धार्थ विश्नोई द्वारा निभाया गया। वीरेंद्र तोमर की सेक्रेटरी कविता का किरदार अंतरा पांडे के द्वारा निभाया गया। मीडिया सलाहकार राहुल का किरदार शुभम मिश्रा द्वारा निभाया गया। राजनैतिक सलाहकार रजत गुप्ता का किरदार मौनिश खान द्वारा निभाया गया। राजनैतिक रणनीतिकार अनिल कुमार का किरदार संदीप बाना द्वारा निभाया गया, जो इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अंतरा पांडे, और आप सुनते रहिए गलगोटियास विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्लगइन पॉडकास्ट। धन्यवाद।